हाय, मैं हूँ जोया खान और आप मुझे देख रहे हैं भोजपुरी बातें पे। ऐसे फ्रेंड काम कर रहे जाए, ऐसे फ्रेंड काम करते हैं वहाँ ऐसी समस्याएं नहीं आती। अगर ईगो वाली बात रखते हैं कि हम डायरेक्टर हैं, वो आर्टिस्ट है, हम डायरेक्टर हैं, तो ऐसे में जहाँ ईगो रहता है वहाँ तकलीफें आती है, जहाँ फ्रेंड बन जाते हैं तो तकलीफ नहीं आती। तो शूटिंग शेड्यूल कराते हैं कि कंप्लीट हो चुका है क्या? शूटिंग शेड्यूल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है और ये महीने में ख़त्म हो जाएगी पिक्चर। और इतनी यंग एज में जो सफलता हासिल की है, भोजपुरी को क्यों चुना? पहली बात ये देख, मैं भोजपुरी से ही आया हूँ और फिलहाल मुझे भोजपुरी ही अच्छी लग रही है और अभी तक सोचा नहीं किसी और जॉनर के बारे में। तो जिस चीज़ का काफ़ी नाम लग रहा है वहाँ वो चीज़ मिल रहा है? कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं। ऐसे तो आसानी से कुछ हासिल नहीं होता है, बस कोशिश में लगे हुए हैं कि हर आदमी चाहता है ना एक अपना एक जगह बनाना, हम ही बनाने में लगे हुए हैं, देखते हैं। के जी, आपके सामने तो बच्चे हैं, धीरज जी आपने कैसे आप बच्चे को? अभी मैं बाहर जो बोला था दोबारा बोल देता हूँ। अब तक लोग मुझे बोलते थे देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, अब मैं बोल सकता हूँ धीरज जी देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। ये देखने में बच्चे जैसे दिखते हैं पर इनके अंदर बहुत गुण हैं, ये बहुत गुणी हैं। वैसे इन दिनों बहुत सारी फिल्में मैं भी कर रहा हूँ भोजपुरी हिंदी, कई जगह मैं जाता हूँ तो सॉरी टू से वहाँ जा के सर ऐसा लगता है कि क्या कर रहा हूँ, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। कई बार लोग पार्टी पकड़ के अपना फिल्म शुरू कर देते हैं और फिर हम लोग कैसे भी करके वहाँ पर संभाल के अपना रोल करके आ जाते हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद एक सीन किया है, मैं सच कहता हूँ मुझे बहुत मज़ा आया और ये इतने छोटी उम्र में इन्होंने इतने हासिल किया, इन्होंने गुण हासिल किया है। इनको कैमरे का नॉलेज है, लेंस का ज्ञान है और कहाँ से शॉट लेना है, क्या ये स्लोमो, बहुत सारा चीज़ एक ही सीन में मैंने इनको देखा। मतलब ये हैं अभूतपूर्व आदमी हैं और आने वाले समय में ये भगवान करे बहुत बड़े डायरेक्टर, हिंदी के बॉलीवुड के डायरेक्टर बने। भोजपुरी भी हमारे बॉलीवुड से कम तो है नहीं, लेकिन हर किसी की हम लोग सबकी एक इच्छा होती है कि बॉलीवुड के सुपरस्टार बने। तो मेरी तो बहुत इच्छा है कि ये बॉलीवुड के सुपरस्टार डायरेक्टर बने। मैं शुक्रगुजार हूँ अनिल कावरा जी का, उनके साथ तो कई सारी मूवी मैंने किया है, ये छठी सातवीं मूवी है उनके साथ और काफ़ी अच्छा है आदमी है और प्रोड्यूसर तो अच्छे हैं, जेन्युइन पर्सन है और मतलब उनके साथ करने में बहुत मज़ा आता है। मैंने सब प्रोड्यूसर के साथ काम किया, उनके साथ किया है, अलग ही मज़ा होता है काम करने का, होता है ना। बहुत सारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर वाली चीज़ होती है, हर प्रोजेक्ट में हर जगह पर कोई ना कोई कंपटीशन होता है, इनके साथ ऐसा नहीं है। अच्छे प्रोजेक्ट पर हम काम करना चाहते हैं, वो भी सपोर्ट करते हैं कि अच्छा बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा लगता है इनके साथ काम करने में। सर का मेरा मानना यह है कि इन्होंने कम उम्र में जो हासिल किया है अभी तक वो बेस्ट है। अभी इनकी पिक्चर रिलीज हुई है रिसेंटली जिसका नाम है चैंपियन, और सबसे बड़ा चैंपियन में क्या हुआ है कि मेरा दो ब्रांड्स हैं और दोनों ब्रांड्स में इतना क्लाइंट खुश है, हमने अच्छा खासा मीट एंड ग्रीट इवेंट भी किया और सबसे बड़ी कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर ने उसमें ये अपना इन फिल्म प्लेसमेंट किया फॉर द क्लोजअप, और क्लोजअप के साथ साथ हमारी नवरत्न तेल का भी ब्रांडिंग हुई है। और अनिल सर के साथ काम करके बहुत मज़ा आया, धीरज सर बहुत मेरा ब्रांड को संभाले, बहुत अच्छा शूट किए और बहुत अच्छा से ये किए, और इन्हीं का दिन है कि मेरा बच्चा आज इसमें थोड़ा ये बच्चा नहीं इधर है। सर मेरा देखिए, मेरा प्रोफेशन ये है कि मैं 2002 से फिल्मों का मैंने काम किया है, जो इसमें काफ़ी सारे बॉलीवुड पिक्चर हैं जिसमें मैंने इन फिल्म किया है, इंक्लूडिंग बैंग बैंग धूम 3 एंड ऑल, और जो एक्चुअली मूवी का मार्केटिंग किया था उसमें काफ़ी सारे पिक्चरें आती थी, तुमको जाओगे, माय नेम इज़ खान, वांटेड, काफ़ी सारे पिक्चरें हैं। मैंने 2014 से प्योरली भोजपुरी पर फोकस किया हूँ और काफ़ी सारे मैंने पिक्चरें की अभी तक, और धीरज सर के साथ इनके हर प्रोजेक्ट में मैं जुड़ा रहता हूँ। रिसेंटली हम एक बहुत बड़े डील पे भी काम करें जो अनाउंस करेंगे। इन फिल्म ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग मेरा नाम
नाम आदित्य एंड देन आई एम प्राउड ऑफ माय फादर और ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ और देन आगे भी करना है मेरे प्लान में. फर्स्ट टाइम है तो क्या करते हैं ऐसे स्टूडेंट कौन से क्लास में है? सिक्स्थ. तो कैसे प्रिपेयर किया एक्टर बनने के लिए अपने को? एक्चुअली मेरा प्लान तो नहीं था बट देन मैंने सोचा ट्राई करूँगा. बट है इनके बारे में बोलूंगा, फर्स्ट ऑफ मैंने लिया पहला टेक ना, फर्स्ट टेक को पता चल गया ही कैन बी है आर्टिस्ट. आर्टिस्ट बनेगा है क्योंकि वो है आर्टिस्ट में एक जुनून होता है ना, जो चीज़ों को पकड़ना वो है बहुत जल्दी बच्चे ने उसको नहीं. जैसे मुझे पता चला धीरज सर ने बताया कि केके जी भी इसमें काम कर रहे हैं तो मैं बोला केके भाई के साथ अच्छा जोड़ी रहेगा. कल ही हमारी इवेंट डिस्कशन हुई और लकली आज हम साथ में हैं. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.